मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लाल बटन को दबाकर, ये बिल्कुल फ्री है, और बगल में जो बेल आइकन है इसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले मेरी रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय व्यूवर्स। तो उसी के रिलेटेड आज मैं ये बनाने जा रही हूँ ट्राइकलर कस्टर्ड। ये बहुत यमी बनता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है, तो इस इंडिपेंडेंस डे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और सेलिब्रेट करिए हमारी आज़ादी को। तो आइए देख लेते हैं हम इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल लग रहा है एकदम। तो ये देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर जो है मिल्क ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, फुल फैट या नॉर्मल। मैंने यहाँ पर नॉर्मल मिल्क लिया है हाफ लीटर, और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग 10 टेबल स्पून शुगर ली है, शक्कर ली है 10 चम्मच, और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च ली है 3 टेबल स्पून। बेसिकली हमें जो है कस्टर्ड ही बनाना है। और ये जो मैंने चाइना ग्रास का पैकेट लिया है ये एक लेंगे हम, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 कप जो है मेजरमेंट का वो मैंने ही फुल भर कर पानी लिया है, और 3 कलर्स लिए हैं, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ली है, शक्कर ली है 3 चम्मच। तो आइए सबसे पहले हम जो है चाइना ग्रास बना लेते हैं, फिर हमें उसे सेट करने रखना है इसीलिए। तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने जो है पानी दिखाया था वो ऐड कर दिया। अभी इसमें बेसिकली इसके पैकेट्स के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो आप उसी तरीके से बना लें। तो ये देखिए पानी जो है उबल चुका है, अभी हम इसमें चाइना ग्रास का पैकेट जो है ऐड कर देंगे, और शक्कर भी ऐड कर देंगे इसी स्टेज पर। और बिल्कुल जो उसके छोटे छोटे चंक्स भी जब तक डिजॉल्व नहीं हो जाते पानी में, तब तक हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है और चेक करते रहना है। आप चाहे तो बर्तन में लेकर इसका टेस्ट कर सकते हैं कि ये जम रहा है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी चाइना ग्रास। तो इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग 3 बोल्स दिए हैं, क्योंकि मुझे 3 कलर्स देने हैं इसे, तो मैं इसे इक्वली डिवाइड कर दूंगी तीनों बोल्स में। तो ये देखिए मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, अभी इसमें मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी, और सभी कलर्स की जो है स्पून हमें अलग अलग रखनी है, अदरवाइज़ वो कलर जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ग्रीन कलर ऐड कर दिया, ये येलो कलर ऐड कर दिया मैंने, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, इसकी गुठली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज़ वो मुँह में आएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो ये देखिए, इसे हम रूम टेम्परेचर पर जो है ठंडा करेंगे और फिर फ्रीज में रख देंगे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बॉयल मिल्क लिया है, तो मैं इसे सिर्फ वार्म करूँगी। तो ये देखिए बबल्स आ चुके हैं इसमें ऑलरेडी, तो ये वार्म हो गया है। अभी मैं इसमें जो है शुगर ऐड कर दूँगी, और शुगर को मैं अच्छे से चला कर इसे डिज़ोल्व कर लूँगी, इसमें मेल्ट हो जाने चाहिए शुगर। तो ये देखिए शुगर जो है इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अभी इस स्टेज पर आकर हम इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर दिखाया था उसकी मैंने स्लरी तैयार कर ली है, पानी ऐड कर कर बिल्कुल लम्प फ्री जो है बैटर बना लिया है मैंने उसमें, सॉरी दूध डालकर। बेसिकली हम जो कस्टर्ड बनाते हैं वैसा ही हमें करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर कर कंटिन्यूसली हमें इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, और इसकी जब तक थिक कंसिस्टेंसी नहीं होती हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखिए स्ट्रेट अवे इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ चुका है कॉर्नफ्लोर की वजह से, अभी हम थोड़ा सा और थिक करेंगे इससे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इसका। और तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है गाढ़ा हो चुका है, बस इतनी कंसिस्टेंसी सही है। आपको अगर और गाढ़ी चाहिए तो आप और गाढ़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, और कम चाहिए तो कम कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और रेफ्रिजरेटर में चिल्ड होने के लिए रख देंगे। और ये जो मैंने चाइना ग्रास जमाई थी उसे मैंने इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, जो ग्रेटर की बड़ी साइड होती है उसी साइड से हम इसे ग्रेट कर लेंगे, ताकि अच्छे जो है बहुत अच्छे पीसेस होते हैं इसके। लिए देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से मैंने सभी कर लिए हैं। तो अभी एक सर्विंग बोल लेंगे हम, उसमें जो चिल कस्टर है वो ऐड कर देंगे हम। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी,
तो अभी इसके ऊपर हम जो तीनों कलर्स के जो चाइना ग्रास थे वो हम इस तरीके से ऐड कर देंगे थोड़े थोड़े, उसे गार्निश कर लेंगे बेसिकली। तो ये देखिए कितना यम्मी और टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में ही, और काफ़ी इजी है ये, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये डिश अच्छी लगी है। तो इसी तरीके से मैं सारी जो है बोल्स रेडी कर लूँगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब वन टाइम प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ आप लोगों तक। और दुआओं में याद रखना, आपकी और आपकी फैमिली का ख्याल रखना। और आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।